तुम्हारा मेरे फ्रेंड्स को वागी में बहुत बहुत खुश आमदे मेरे फ्रेंड्स इस वक्त जो आप मेरे हाथ में सीड का पैकेट देख रहे हैं ये कार्नेशन फ्लावर्स का है इसमें कार्नेशन मिक्स लिखा हुआ है और ये रोशन सीड्स वालों का पैकेट है अभी रिसेंटली मेरे गार्डन फ्रेंड्स मैंने रोशन सीड्स का विजिट किया था और अपने गार्डन फ्रेंड्स के लिए वहां जितने भी सीलिंग्स है जिसमें विंटर वेजिटेबल की सीलिंग्स है की सीलिंग्स है विंटर फ्लावरिंग सीड्स हैं और विंटर फ्लावरिंग बर्ड्स जो उनके पास अवेलेबल हैं तमाम ही का ओवरव्यू अपने गार्डन फ्रेंड्स को मैंने दिया था और कुछ मेरे वहां से सी जो सीलिंग है इसी तरह कई विंटर जो फ्लावरिंग है प्लांट्स हैं और विंटर फ्लावरिंग सीड्स की शॉपिंग भी वहां मैंने की थी तो मेरे फ्रेंड्स आज हम इस जो कार्नेशन के फ्लावर्स हैं इनको मैं सीड्स को लगाऊंगा बेसिकली मेरे फ्रेंड्स जो कार्नेशन के जो, जो ये फ्लावर्स हैं इसका जो बोटेनिकल नेम है डाइंथर्स क्रायोफॉल्स इसका बोटेनिकल नेम है यानी एक तरह की ये डायंथर्स अगर जिन्होंने घर में फ्लावर्स लगाते हैं उस तरह की शेप से रिजेंबलेंस होती है और ये डबल फ्लावर्स हैं और सबसे बड़ी इसमें खूबी फ्लावर्स में यह है कि ये इसमें बेतहाशा इसमें कलर्स होते हैं और इसकी बहुत ही डेलिकेट स्वीट फ्रेगरेंस होती है और नॉर्मली तीन से चार साल पहले मैं ने ये काम्बीशन के ये फ्लावर्स लगाता था जैसे ही आप ये देख रहे हैं यहाँ भी लिखा हुआ है थोड़ी सी डाइंथस क्रायोफॉलिस है कॉमन नेम है कॉलनेशन है सारी की सारी ए टू जेड डिस्क्रिप्शन यहाँ दी हुई है यहाँ मैंने तो आज मैं मेरे फ्रेंड्स इन कॉलोनीशन के सीड्स को मैं लगाऊंगा थोड़ी सी अपने गार्डन फ्रेंड्स को भी इस हवाले से अगर वो ले, ले अगर लगाना चाहें किस तरह सीड्स लगा जाते हैं क्या टेम्परेचर होना चाहिए दिन का है और किस महीने इसमें लगाया जाए तो मेरे फ्रेंड्स अक्टूबर के मिड से लेकर नवंबर के एंड तक हर तरह के सीड्स हैं लगाने का बेहतरीन मौसम है विंटर फ्लावरिंग सीड्स हैं विंटर वेजिटेबल सीड्स हैं जिस तरह आप लगाना पसंद करें और जहां तक ये सीड्स की यहां लिखा हुआ बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स हैं रोशन सीड्स से मैंने ये लिए है और मैं यही कहूंगा कि जहां से भी आप सीड लें कोशिश ये करें कि वेल नोन कंपनी हो बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स उनके पास अवेलेबल हों और तौर पर जो सीड्स पे ये ये फ्लावर्स नजर आ रही हैं अब जैसे ये डबल डबल फ्लावर्स हैं तो मैंने स्पेशली उनसे पूछा था ऑप्शन सीड्स वालों से आया कि ये डबल फ्लावर्स हैं कि सिंगल फ्लावर्स हैं इसमें सिंगल फ्लावर्स भी होते हैं डबल फ्लावर्स भी तो उन्होंने ये कहा कि जी ये डबल फ्लावर्स हैं तो कोशिश करें कि जिस तरह का सीड में पैकेट पहले मेंशन किया हो पिक्चर्स वाइज आप उसमें पहले अच्छी तरह तसली करें परचेज करने से और इसमें रिगार्डिंग इस सीट के पैकेट की प्राइस है सत्तर रुपये का ये पैकेट है उसको दे रहे हैं अगर आप ज़्यादा उनके पास परचेस करते हैं तो आपको थोड़ा सा वो गुंजाइश करेंगे उनके जो ऑनर हैं रोशन सीट के और अगर रोशन सीट की शॉप पे आपने विजिट करना हो तो आप मेट्रो ट्रेन में यहाँ से अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है लाहौर से मेट्रो ट्रेन है और इच्छा मेट्रो ट्रेन पे आप बैठें सब्जी मंडी में दुकान है इनकी 99 सब्जी मंडी इकबाल टाउन लाहौर में दुकान है फेसबुक पे भी इनका रोशन सेंटर के नाम से है पेज है और इसमें बाकायदा में इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है इसमें लिखा हुआ है सीट के के पैकेट के बैक पे और वेबसाइट भी है डब्ल्यू तो मैं तो चबुर्जी से बैठा था ऑन ट्रे पे आपने देखा होगा वीडियो भी आपके लिए अपलोड आई हैं तो मेरे गार्ड फ्रेंड जो दूसरा है, या आउटसाइडर्स हैं जो खासा पे लाहौर पंजाब से से बाहर के हैं वो यहाँ लाहौर में अगर आए और मेट्रो ट्रेन पर बैठे हैं तो इस एड्रेस पे पहुँच के वो रोशन सीट से वो परचेस कर सकते हैं तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स आप जरा थोड़ी सी इन की अनबॉक्सिंग करते हैं इन फ्लावर्स की है और मरचर मर्ट, से मल्टी कलर के आपको ये फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं वैसे ये फ्लावर्स खिलते हैं बहुत बुशी फ्लावर्स होते हैं और एज ए कट फ्लावर भी मेरे गार्डन फ्रेंड्स यानी आप कटिंग करते हैं या प्रूनिंग करते हैं या कटिंग में भी आपका थोड़ा सा कट फ्लावर के तौर तो पर काम आएंगे और उतनी ही आगे इसकी बु, हेल्थी बुशी ग्रोथ होगी और तकरीबन मेरे ख्याल फ्रेंड्स कोई ये ए, एक से डेढ़ फुट की हाइट पे आके इसमें ये फ्लावर्स खेलने का सिलसिला स्टार्ट होता है तो ये थोड़ी सी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आप जब पहले तो हम सीड लगाएंगे इस फ्रीज को पहले जब मैं अनबॉक्स करता हूँ और देखते हैं इसके अंदर कितने सीड्स हैं ये अवेलेबल हैं इसकी मेरे गड्डी डिफ्रेंस ये कॉर्नेशन के ये सीट के पैकेट को मैंने अनबॉक्स कर लिया हुआ है कुछ इस तरह के इसके अंदर हैं ये सीड्स हैं जैसे आप ये देख रहे हैं और कुछ ये मोटे मोटे ये सीड्स हैं जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे घर डिफरेंस ये है कुछ इस और सीड्स के मेरे ख्याल जहाँ तक ये है तकरीबन कोई ये पच्चीस से तीस सीट हैं इस पैकेट के अंदर अवेलेबल हैं जैसे ये रोशन सीट वालों का है

इसमें मैं, मैंने तैयार करके रख लिया हुआ है कॉम्बिनेशन है इसमें मैंने 40 परसेंट है मट्टी ली हुई है 20 परसेंट मैंने रेत ली हुई है मिक्स ट्वेंटी है। परसेंट है मैंने ये गोबर की खाद जैसे आपको नजर आ रही वो ली हुई है और 20 परसेंट है मैंने ये अभी मिक्स की हुई है ये स्वाइल में ये कोकोपीट ये टॉप लेरिंग के लिए और यह सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है सारा का सारा इस सात इंच के पॉट में मैंने पहले से तैयार करके रख लिया हुआ है मट्टी को पहले अच्छी तरह छान लें किसी किस्म का कंक्री वगैरह पत्थर वगैरह इसमें ना हो और उस मट्टी को अच्छी तरह बैलेंस आउट कर लें किसी किस्म की एयर बबल्स भी इसमें ना रहें जिस तरह के मैंने ये करके इस तरह ये मैंने ये बना के रख ली हुई बारी बारी और अब जस्ट हम जिस चीज को लगाएंगे मेरे घर फ्रेंड्स ये कॉर्डिनेशन के सीड्स हैं जैसे आप ये देख रहे हैं अभी आपको मैं या थोड़ा सा और क्लोज लुक कर दूँ कि किस तरह के सीड्स होते हैं ब्लैक ब्लैक है मोटे मोटे है सीड्स हैं आप जस्ट चीज को मेरे घर डिफ्रेंस यहाँ यहाँ लगाऊंगा थोड़े थोड़े फासले पे आधा आधा इंच के फासले पे यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है और मेरे घर फ्रेंड्स आप इसको लगाने के बाद सीड्स को वहाँ रखना है स्पॉट को मैं वहाँ रखूंगा जहाँ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग है दो से तीन घंटे की सनलाइट लाजमी आए सनलाइट का मेरे गाड़ी फ्रेंस आना बहुत जरूरी है सी जर्मिनेशन के हवाले से तमाम ही मैंने यहाँ रखते हुए हैं थोड़ा सा कैमरा और मैं क्लोज करता हूँ आप देख रहे हैं और उसके बाद मेरे ग्रेंस ये टॉप लेयरिंग के लिए मैंने कोकोपीट में जो ये मिस की हुई है सोइल में अच्छी तरह से कवर अप कर लें शावर की मदद मतलब से मेरे गाड़ी फ्रेंस अच्छी तरह पानी देंगे उसके बाद तब हम इसको मैं पानी दूंगा जब इससे थोड़ी सी उसकी स्वाइल है मोइस्ट रहे तकरीबन तो सुबह शाम शॉवर की मदद से बस हल्का हल्का सा आप पानी दें ताकि स्वाइल मॉइस्ट रहे ओवर वॉटिंग डिफरेंस नहीं करनी और सन लाइट का बहुत ख्याल रखना है और आस्ता आस्ता जो है सनलाइट का ड्यूरेशन बढ़ाते भी जाना है तमाम सीट को अच्छी तरह कवर अप कर लिया है अब जस्ट शॉवर की मदद मतलब से मैं पानी देता हूँ शॉवर की मदद से अच्छी तरह पानी दे और मेरे गार्डन फैंस उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फैंस को ये वीडियो पसंद आएगी बाय आसिम नवाज मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जब जर्मिनेशन होगी बाय आसिम नवाज वैगी